राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर टू की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको विपणन के 4 दृष्टिकोणों या उपागमों के बारे में बताया था, जिसे आप मार्केटिंग अप्रोचेस कह सकते हैं। और आज की क्लास में हम इसके बाकी के उपागमों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संस्थागत दृष्टिकोण यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो देखिए, जो ये दृष्टिकोण है ये मानता है कि जितनी भी संस्थाएं एक उत्पाद को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, उसके बीच में जितनी भी संस्थाएं इंक्लूड होती हैं, वही क्या होता है, उन्हीं को विपणन कहा जाता है। यानी कि जो ये दृष्टिकोण है ये विपणन को संस्थाओं के रूप में देखता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आधुनिक युग वृहद पैमाने के उत्पादन का है और इस युग में वितरण का क्षेत्र भी बहुत व्यापक और विशाल है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य काफ़ी दूरी है, जिसे संस्थागत दृष्टिकोण के अनुसार विपणन क्रियाएं समाप्त करती हैं। तो देखिए, आज के टाइम में क्या हो चुका है कि जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं उनके मध्य बहुत दूरी हो चुकी है। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जो उत्पादक होते थे यानी कि जो गुड्स बनाते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे और वो बहुत पास में ही रहते थे। जैसे कि कोई गांव है, कोई विलेज है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वहीं पर वो जो होते थे वो सेल होते थे। ठीक है, वहीं पर वो बेचे जाते थे, तो उनके बीच जो होती थी वो दूरी वो बहुत कम होती थी। तो ऐसे वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई किसी संस्था वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो चुका है, आज के टाइम में ना ही सिर्फ हमारे कंट्री में, हमारे देश में, बल्कि जो हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी हमारे देश में प्रोडक्ट्स आते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेड आइटम्स बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए जो आज के टाइम में उपभोक्ताओं और उत्पादकों के मध्य जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसा वहाँ से हमें उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें किसी संस्था की ज़रूरत होती है, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमें वो उत्पाद प्राप्त हो। हमें विपणन मध्यस्थों की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें विपणन मध्यस्थों की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम वो उत्पाद प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में चाइना का बॉयकॉट किया जा रहा है, वहाँ के सामान के मना किया जाए कि वहाँ का सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन मोस्टली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जो हम चाइना से हम लाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा आइटम ऐसे हैं कि जो चाइना से इंडिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह दृष्टिकोण बतलाता है कि वृहद पैमाने पर किया गए उत्पादन का वितरण करने के लिए अनेक मध्यस्थ संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव होती है। ठीक है, यानी कि हमें बहुत सारी ऐसी मध्यस्थ संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो एक उत्पाद को उत्पादकों से लेके उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके, क्योंकि आज के टाइम में एक जो लेवल हो चुका है उत्पादन करने का वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक तरह की वस्तु नहीं बना रहा, ठीक है, सिर्फ एक तरह की वस्तु नहीं बना रहा, वो काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बना रहा है। जैसे कोई फूड आइटम बना रहा है, कोई क्लॉथिंग आइटम बना रहा है, उसके साथ कोई डिजिटल आइटम बना रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो काफ़ी तरह की प्रोडक्ट्स बनाने में इंक्लूड हो चुका है आज के टाइम पे। तो उसको हर उपभोक्ता को ढूंढना और उस तक उसको वितरण करना बिना मध्यस्थों के ये पॉसिबल नहीं रह चुका। तो इसलिए बहुत सारे हमें संस्थाएँ ऐसी चाहिए जो उपभोक्ताओं तक उत्पाद को पहुँचा सके। तो ये कहते हैं ये संस्थाएँ मिलकर जो कार्य करती हैं उन्हें ही विपणन कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, यह दृष्टिकोण विपणन प्रणाली के अंतर्गत उन उत्पादकों, मध्यस्थों एवं अनेक विपणन संस्थाओं का अध्ययन करता है जो संस्था के रूप में विपणन क्रियाओं का निष्पादन करती हैं, मांग पूर्ति में संतुलन स्थापित करती हैं और उत्पादन केंद्रों को उपभोक्ता केंद्रों से जोड़ती है। ठीक है, तो ये सभी उन ऐसी ही संस्थाओं को इसके अंदर जोड़ता है जो
संस्था के रूप में जितनी भी विपणन क्रियाएं हैं उनका निष्पादन करती है, यानी कि उनको काम करने में मदद करती है, उनकी हेल्प करती है किसी भी प्रकार से, उन सभी को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ वो मांग पूर्ति में भी संतुलन स्थापित करती है, यानी कि जहाँ पर जिस चीज़ की मांग है उसकी वहाँ पर पूर्ति करना, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की किसी दूसरे स्टेट में मांग है या किसी दूसरी कंट्री में मांग है तो वहाँ पर वहाँ तक उसको पहुँचाना, उसकी पूर्ति में संतुलन स्थापित करना, ये किसका उद्देश्य होता है, यही संस्थागत दृष्टिकोण का उद्देश्य होता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण विपणन को संस्थागत प्रणाली के रूप में मानता है। इसका मुख्य दोष यह है कि एक व्यक्ति क्षेत्र की पर्याप्त जानकारी नहीं कर पाता। तो देखिए इसका जो दोष है वो क्या है कि जो एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति इसके पूरे क्षेत्र की जानकारी नहीं कर सकता। हम अगर एक व्यक्ति को इसके लिए सिलेक्ट कर लें कि वो इस पूरे क्षेत्र की जानकारी ले ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हमें हर फील्ड के लिए अलग अलग व्यक्तियों का चुनाव करना पड़ता है। ओके, तो देखिए कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं एक बार हम उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, यानी मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि जितने भी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट किस तरीके का बनेगा, अगर उससे किसी हम सलाह ले रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको कैसे हम कहाँ तक पहुँचाएँगे, हम हमें क्या कौन सी ऐसी प्रमोशनल चीज़ों को, प्रमोशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, तो ये सभी मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है, लीगल इंस्टीट्यूशन यानी कि अगर हमें किसी से कोई सलाह लेनी है, किसी संस्था के जरिए अगर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट के बारे में अगर कोई सलाह लेने जा रहे हैं तो वो लीगल इंस्टीट्यूशन हो गए। कल्चरल इंस्टीट्यूशन यानी कि अगर हम किसी अपने प्रोडक्ट को लेके किसी कल्चरल संस्था, कल्चर मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, किसी जगह के बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं कि कल्चर कैसा है, वहाँ पे रहन सहन कैसा है, जिसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाएं, ठीक है, तो वहाँ पर जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें वित्त की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जो हम जिससे हम फाइनेंस लेते हैं, ठीक है, जिससे हम वित्त लेते हैं, धन प्राप्त करते हैं, वो सभी इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि हम अपने प्रोडक्ट बनाने में हमें अपने सामाजिक तत्वों का भी ध्यान रखना होता है, तो वहाँ पर जो हम संस्थाएं वहाँ पर जो इंक्लूड होती हैं, जो देखती हैं कि हम किस तरीके से कार्य करें जिससे समाज को हानि ना हो रहा, हमें भी लाभ मिले, तो इस तरीके के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो टोटली देखा जाए तो ये जो अप्रोच है ये विपणन को एक संस्थागत प्रणाली मानता है, एक संस्था के रूप में देखता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए क्रियात्मक दृष्टिकोण यानी फंक्शनल अप्रोच। तो देखिए क्रियात्मक दृष्टिकोण यानी कि ये जो अप्रोच है ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मार्केटिंग होता है उसके अंदर उसके फंक्शंस को बताता है, उसके कार्यों को बताता है। ठीक है, तो देखिए विपणन का यह दृष्टिकोण उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है जो वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंध होती है, यानी कि उसके अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं जो एक उत्पादक से उपभोक्ता तक किसी उत्पाद को पहुंचाते हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे कार्य होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उन सभी का अध्ययन करता है। ओके, इस दृष्टिकोण के द्वारा सभी विपणन क्रियाकलापों का वाणिज्यन, भौतिक वितरण तथा सहायक कार्यों में विभक्तिकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये फंक्शनल अप्रोच है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जितने भी हमारे कार्य हैं मार्केटिंग के उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वाणिज्यन, भौतिक वितरण और सहायक कार्य। ठीक है, इसके अंदर भी इनको सब डिफाइन कर दिया गया है कि वाणिज्यन और भौतिक वितरण और सहायक कार्य के अंदर क्या क्या आता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये एक्सचेंज फंक्शन यानी कि जो हमारा वितरण से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है बाइंग और सेलिंग। ठीक है, बाइंग और सेलिंग मींस अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट तैयार करना होता है उसके लिए हमें बहुत सारे कच्चे माल की ज़रूरत होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो जिसे हम
उसे खरीदते हैं, किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उसे हम खरीदते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आ जाता है, बाएं। उसके बाद हम उसके अंदर जितने भी काम करते हैं उसको सेलिंग करने के लिए, तो वो भी वो क्या होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं, सेलिंग, ओके। उसके बाद आता है फिजिकल फंक्शंस, यानी कि भौतिक वितरण। तो अब हम उसका जो भौतिक वितरण है यानी कि फिजिकल फंक्शन, उसको हम उत्पादकों, सॉरी उपभोक्ताओं तक किस प्रकार पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर प्रोसेसिंग, यानी कि सबसे पहले जो उत्पाद होता है वो प्रोसेस होता है, वो बनता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि किसी वस्तु को स्टोर करके रखना ताकि हम उसको उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा सकें। उसके बाद आता है हमारा फैसिलिटेटिंग फंक्शन, यानी कि सहायक कार्य। तो सहायक कार्यों के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन, ओके, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग और मार्केटिंग इंटेलिजेंस। यानी कि फाइनेंसिंग, यानी कि अगर हमें कहीं से वित्त प्राप्त करना है, ठीक है, हमें देखना है कि हमारा जो वित्त है वो कितना है, वित्त कैसे प्राप्त करना है, तो इसको भी एक अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कि मार्केट के बारे में देखना कि जो हमारा मार्केट है वो कैसा है, वो कितना ग्रो कर रहा है और हमारी जो मार्केट है उसके अंदर कितने चांसेस होते हैं। रिस्क बियरिंग, यानी कि रिस्क वगैरह के बारे में देखना। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हमारा जो मार्केट है वो कितना किस स्टैंडर्ड पे है, हम उसे कैसा ले जा सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में देखना, वो क्या होता है, हमारा सहायक कार्य होते हैं। तो इसलिए जो हमारे फंक्शंस होते हैं जितने भी, उसको इस दृष्टिकोण के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो हमारे कार्य हैं वो सही प्रकार से हो सकें और उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो देखिए, यह कार्यों में दोहराव को रोकता है, कार्यों में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा समय का सदुपयोग करता है। यानी कि जो कार्य होते हैं हमारे वो सही तरीके से चलते रहें तो उनको अलग अलग डिवाइड कर देता है और जितनी भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का विश्लेषण करता है और उनको ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करता है, ओके। किंतु इस दृष्टिकोण का मुख्य दोष यह है कि ये नहीं बता पाता कि विपणन कार्यों को व्यावसायिक प्रणाली में लागू कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ जितने भी हमारे विपणन से रिलेटेड कार्य होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सिर्फ उनका डिवीज़न करता है, उनको बांटता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि हमें उसे अपनी प्रणाली यानी कि अपने व्यवसाय में किस तरीके से लागू कर, ओके। नेक्स्ट है हमारा कला और विज्ञान दृष्टिकोण, यानी कि आर्ट एंड साइंस अप्रोच, ओके। तो देखिए, यह दृष्टिकोण बताता है कि विपणन सही स्थान पर सही रूप से सही हाथों तक सही कीमत एवं किस्म वाला उत्पाद पहुंचाने की कला तो है ही, किंतु यह विकासमान और गतिशील विज्ञान भी है। तो देखिए, जो ये अप्रोच है ये विपणन को आर्ट और साइंस दोनों मानती है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों मानती है, ठीक है। तो देखिए, कला किस तरीके से बता रहे हैं कि कला क्या होती है, कला होती है कि किसी भी चीज़ को बनाने का कौशल, किसी भी चीज़ का काम करने का कौशल जो होता है वो होती है कला, ठीक है। तो किसी वस्तु को सही स्थान पर और सही रूप में और किस तक वो वस्तु पहुंचानी है और उसका जो कीमत है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, सही किस्म वाला उत्पाद होना चाहिए, तो इस रूप में उसको हम कला मान रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा विपणन है वो विज्ञान भी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान जो होता है वो क्या होता है। जो विज्ञान होता है वो प्रयोगों के अवलोकन द्वारा नए ज्ञान की खोज होता है ना। हमारा जो साइंस होता है वो होता है कि हम जो नए नए प्रयोग करते हैं उनका अवलोकन करते हैं और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हम नए ज्ञान की खोज करते हैं। तो जिस तरीके से वैज्ञानिक जो होते हैं वो नए नए प्रयोग करते हैं, सबसे पहले प्रश्न खोजते हैं कि प्रश्न क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे वैज्ञानिक थे तो उन्होंने सबसे पहले, जो हमारे न्यूटन थे, उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनके ऊपर सेब आके गिरा। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। सबसे पहले उनके मन में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो जिस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन आता है वैज्ञानिकों के मन में और उसके बाद वो उनका जो है प्रश्न ढूंढते हैं, नए नए प्रयोगों द्वारा उनका अवलोकन करते हैं और उसके बाद उनका प्रश्न ढूंढते हैं, उसी तरीके से जो हमारा मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग के अंदर भी
सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है, उसके बाद प्रयोगों के द्वारा उनका अवलोकन, उनके अवलोकन के द्वारा उनके उत्तर को खोजा जाता है, इसलिए इसको भी विज्ञान माना जाता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण पूर्ति को मांग के अनुसार बनाने पर जोर देता है, इसलिए ग्राहकोन्मुखी भी है, किंतु इसे भौतिक विज्ञान की भांति शुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसे हमें चिकित्सा और इंजीनियरिंग की विज्ञान की श्रेणी में ही रखना। ठीक है, तो जो ये हमारा विपणन है, ये विज्ञान तो है किंतु ये शुद्ध विज्ञान नहीं है। ओके, अब देखिए, हंट ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विपणन को विज्ञान की संज्ञा दी है। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर विपणन को विज्ञान माना गया है? तो देखिए, व्यक्तिगत क्रेता उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार को समझना, फर्म द्वारा उत्पाद चुनाव, यानी कि उसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये भी प्रश्न है तो उसका सॉल्यूशन निकालना, मूल्य निर्धारण संवर्धन, मूल्य निर्धारण, ठीक है, तो इसका जो प्राइस है वो कैसा होना चाहिए इस प्रोडक्ट का, साथ में संवर्धन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट किस तरीके से करें, कौन कौन से हम तरीकों को अपनाएं प्रमोट करने के लिए, वितरण वाहिका यानी कि हम इनको पहुँचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करें, ट्रांसपोर्ट वगैरह। ओके, तो ये सभी जो क्वेश्चंस के हम आंसर्स निकालने के लिए, इसको हम विज्ञान मानते हैं। उसके बाद देखिए, उपभोग ढांचा जो है वो कैसा होना चाहिए, विपणन का संस्थागत दृष्टिकोण, विपणन के वैधानिक पहलू यानी कि जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं, तुलनात्मक विपणन यानी कि जितनी भी हम तुलना करते हैं आपस में चीज़ों में, विपणन की कार्यक्षमता से क्या विपणन के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, यानी कि जो जितनी भी विपणन की कार्य क्षमता है क्या उसके अंदर हम फ्यूचर में आर्थिक क्षमता में वृद्धि कर पाएंगे या नहीं, क्या गरीब वर्ग को अधिक मूल्य तो नहीं देना पड़ रहा। ओके, क्या विपणन विचार में उपभोक्ता वर्ग के हितों की पुष्टि होती है, क्या विपणन सार्वभौमिक है, तो ये सभी जो प्रश्न हैं इनको हम क्या मानेंगे, इसमें हम विपणन को विज्ञान मानते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, उनके विज्ञान व वितरण का औचित्य इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताता है कि विपणन भी विज्ञान है। ओके, उसके बाद आता है हमारा विपणन का प्रणालीगत दृष्टिकोण, यानी कि सिस्टम अप्रोच ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए, जो ये हमारी अप्रोच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम में मोस्टली यही लागू होती है और ये एक आधुनिक अप्रोच है। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, प्रणालीगत दृष्टिकोण का। तो देखिए, सबसे पहले जो एक सिस्टम होता है, यानी सिस्टम होता है वो क्या होता है, सिस्टम होता है जिसके अंदर वो कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो पूरा क्या है, वो पूरा एक सिस्टम है जो हमारे सब सिस्टम्स यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके जो सब सिस्टम्स होते हैं वो अपने आप में तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी प्रणाली होती है जो इंडिपेंडेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो क्या करती है, वो उसका हर एक जो पार्ट होता है वो सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आइज़, ईयर्स, नोज़, हार्ट, ब्रेन, टंग, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इसके सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी जो आइज़ हैं यानी कि जो हमारी आंखें हैं, अगर हम उनसे नहीं देख पा रहे तो हमारे हार्ट को कोई इफ़ेक्ट वहाँ से नहीं होता। ठीक है, हमारे हार्ट को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट होता है आई, लेकिन हमारे सिस्टम पे वो इफ़ेक्ट डालता है कि हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट डालता है। तो इसलिए ये क्या कहता है, ये दृष्टिकोण कहता है कि विपणन एक ऐसी प्रणाली है, विपणन एक ऐसी इंडिपेंडेंट पार्ट्स की प्रणाली है, इंडिपेंडेंट पार्ट्स का सिस्टम है जो अपने आप में तो इंडिपेंडेंट है लेकिन वो पूरे सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी कि इसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी विपणन पर प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक कोटलर थे, उन्होंने इस दृष्टिकोण को समझाते हुए कहा है कि विपणन प्रणाली उन महत्वपूर्ण संस्थाओं
और प्रवाहों का समूह है जो एक संगठन को उसके बाजारों से जोड़ता है। यानी कि विपणन प्रणाली क्या है, वो महत्वपूर्ण और संस्थाओं का और प्रवाहों का समूह, यानी कि इसके अंदर वो सभी इंस्टीट्यूट जो विपणन का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रवाह हो रहे हैं, ठीक है, सभी प्रवाहों का समूह जो है वो क्या है, वो विपणन प्रणाली है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सभी हमारी ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। इसी तरीके से जितने भी बिजनेस के काम होते हैं, अगर हम बिजनेस को एक सिस्टम मान लें, ठीक है, तो बिजनेस के जितने भी काम होते हैं जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, इसके सब सिस्टम होते हैं। ओके, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। उसी तरीके से जो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग के भी हमारे सब सिस्टम्स होते हैं, मार्केटिंग के जितने भी हमारे सब सिस्टम होते हैं वो मिलकर हमारी मार्केटिंग के ऊपर यानी हमारे विपणन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मार्केटिंग के अंदर हमें प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाना है, उसको कौन सा प्राइस देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सभी जो होते हैं इसके सब सिस्टम होते हैं और ये सभी जो हमारे मार्केटिंग के ऊपर जो होते हैं प्रभाव डालते हैं। यानी कि अगर इसके अंदर से हम एक भी काम ना करें तो हमारे मार्केटिंग के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता है और हो सकता है हमारे उत्पाद को वहाँ पर लॉस उठाना पड़े। ओके, उसके बाद देखिए, कोटलर के अनुसार विपणन प्रणाली के मुख्य तत्व हैं कंपनी, कंपनी बाजार, मध्यस्थ, पूर्तिकर्ता एवं प्रतियोगी, पब्लिक जिसमें वित्तीय संस्थाएं, स्वतंत्र पैस, सरकारी अभिकरण एवं विधिकर्ता तथा आम जनता सम्मिलित हैं, और समष्टि वातावरण में अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, राजनीति, संस्कृति तथा जनांकिकी सम्मिलित है। तो देखिए, जो हमारे कोटलर हैं उन्होंने इसके सब सिस्टम्स को, इनके मुख्य तत्वों को बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि जो हमारी जितने भी हमारे मार्केटिंग के जो सब सिस्टम होते हैं, यानी कि उनके जितने भी मार्केटिंग के पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं होती हैं, यानी कि हम अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर हम किसी मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अकेले तो नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो देखिए, वो कैसे इफेक्ट डालती हैं, वो क्या करती है, प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएं होती हैं वो समष्टि वातावरण से संपर्क करती हैं, ठीक है, समष्टि वातावरण से संपर्क करके विपणन मध्यस्थों से संपर्क करती है। समष्टि वातावरण में गई पहले वो, ठीक है, वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि क्या क्या काम कर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। उसके बाद विपणन मध्यस्थों से उन्होंने संपर्क किया, यानी कि वो कहाँ से जो प्रोडक्ट्स है वो किसको कहाँ से लाती हैं, ठीक है, कहाँ तक पहुँचाती हैं, उन्होंने विपणन मध्यस्थों से संपर्क किया ताकि वो बाज़ार तक पहुँच सकें, यानी कि उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर सकें कि बाज़ार में क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या हमें बनाना चाहिए, क्या क्या वहाँ पर उसको वो सप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या पहुँचा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि जो बाज़ार में जो जो चीज़ें चाहिए उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को वो संतुष्ट कर सके, वहाँ पर वो प्रोडक्ट बना सके, इसलिए प्रतिस्पर्धी जो संस्थाएँ होती हैं वो समष्टि वातावरण होते हुए विभिन्न मध्यस्थों के जरिए बाज़ार तक पहुँचती हैं, ठीक है। जो हमारा बाज़ार होता है वो भी क्या होता है, वो भी पब्लिक और हमारे समष्टि वातावरण से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। बाज़ार जो होता है वो पब्लिक और समष्टि वातावरण से हमारा जुड़ा होता है, ठीक है। पब्लिक में मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, पब्लिक के अंदर आती हैं वित्तीय संस्थाएं, स्वतंत्र प्रेस, सरकारी अभिकरण, विधिकर्ता, ये सभी चीज़ें जो है आम जनता वगैरह, ये सभी हमारी पब्लिक्स के अंदर आती हैं। तो पब्लिक्स जो होती हैं ये हमारी बाज़ार से जुड़ी होती है, और समष्टि वातावरण भी हमारा बाज़ार से जुड़ा होता है, ठीक है। समष्टि वातावरण जिसमें अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी और राजनीति, संस्कृति वगैरह इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये सभी जो हैं वो बाज़ार से हमारी जुड़ी होती हैं, इससे वो सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो जो हमारी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं होती हैं वो इससे सीधा संपर्क भी कर सकती हैं, यानी वो डायरेक्ट बाज़ार तक भी जा सकती हैं। ओके, विपणन मध्यस्थों का संपर्क निर्माताओं, बाज़ार, पब्लिक्स एवं समष्टि वातावरण से रहता है। तो जो हमारे विपणन मध्यस्थ होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो निर्माता यानी कि जो प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, ठीक है, और साथ ही बाज़ार और पब्लिक्स और समष्टि वातावरण, यानी कि सभी से वो अपना जो है वो लिंक रखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उन्हें चाहिए
कि हम प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, हम प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाएं, तो वो सभी जो है वो लिंक रखते हैं अपना, ताकि हम वहां से प्रोडक्ट को ले सके और उसे मार्केट में पहुंचा सके। तो जो विपणन मध्यस्थ होते हैं इनका भी लिंक सभी से होता है डायरेक्ट। ओके, तो ये सभी जो है ये सिस्टम अप्रोच कहलाता है, क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं वो सभी सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि पूर्तिकर्ता, पब्लिक्स, विपणन संस्था, प्रतिस्पर्धी, समष्टि वातावरण, विपणन मध्यस्थ, बाजार, ये सभी अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सभी हमारी मार्केटिंग यानी विपणन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर एक भी मिसिंग है, यानी कि अगर विपणन मध्यस्थ मिसिंग है, तो हम अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुँचा सकते, ठीक है। और या फिर अगर प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ नहीं हैं, तो हमें कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, हमें जो है वो कंपटीशन नहीं मिलता और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो सभी जो हमारे जितने भी हमारे तत्व होते हैं, जितने भी यहाँ पर इसके सब सिस्टम्स होते हैं, वो सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी विपणन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो इसे ही सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।